अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सब खैरियत से हो? मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ऑटो कैड एंड सीएनसी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेच की कमांड के बारे में, स्केल की कमांड के बारे में, डायमेंशंस लेने और डायमेंशंस का एरिया जो है ये वाला, इसके बारे में और टैक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड में मैं इंशाल्लाह, एक भाई ने मुझसे कमेंट किया है कि आर्क की कमांड है, मतलब एक सर्कल है कहीं भी, तो उसमें डिज़ाइन को कैसे फिट करना है, तो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम रेक्टेंगल लगा लेते हैं, हम 2 मीटर का, 2 मीटर बाय 2 मीटर, सॉरी ये, हाँ अभी यही देख लें। अब मैंने 2 मीटर बाय 2 मीटर का लगाना था तो ये मैंने लगा दिया है 2 मीटर बाय 20 सेंटी का, ठीक है, 200 मिली। तो इसको मैं ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर से सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ 1800 mm, ठीक है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा 2 बाय 2 का मुकम्मल स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच की कमांड आप, एक तो तरीका सिंगल कोने को मूव करने का, एक तो तरीका ये है, ठीक है, अगर अर्थ आप अपना ऑफ कर लेंगे तो ये तो कहीं भी किसी भी तरफ जो है ना वो मूव हो जाएगा, ये सिर्फ सिंगल कोना होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 कोने जो है ना, ये दोनों एक एक और दो, ये दोनों अपनी पोजीशन से ना हिलें, सिर्फ ये स्ट्रेच हो। तो सेलेक्ट करूँगा दोनों को इकट्ठा, ठीक है, एस एंटर, और ये इस तरफ ले जाऊँगा ऊपर नीचे कहीं भी, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो उसी शेप में ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इसी तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। इस स्ट्रेच में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो चीज़ क्या होगी कि आपकी सिलेक्शन जो है ना, वो जितनी जितनी आप सिलेक्ट करेंगे उतना उतना वो हिस्सा स्ट्रेच होगा। अब मैं जा रहा हूँ कि मेरा जो है ना, यहाँ से ये सेंटर से ना, ये पोजीशन अपनी जगह से ना हिले और ये वाली पोजीशन भी अपनी जगह से ना हिले, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इतना इतना और इस तरफ ले जाऊँगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो है ना, जो रेक्टेंगल है ना, ठीक है, ये वाला इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो रेक्टेंगल है ना, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3, तीन जो है ना, 4 चौथा तो ये बाहर वाला आ गया ना, ये तो हमारा बाउंड्री तकरीबन आप समझ सकते हैं। तो इनको सिलेक्ट करूँगा और इस पोजीशन में ले जाऊँगा। आपकी सिलेक्शन के अंदर अंदर जो सिलेक्शन के अंदर आ जाएंगे वो स्ट्रेच नहीं होंगे, जहाँ तक सिलेक्शन की बाउंड्री होगी। ये देखिए एस एंटर, ये देखें सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ग्रीन डॉटेड लाइन है, ठीक है, आपके सिलेक्शन के अंदर अंदर जितना हिस्सा आएगा उतना उतना वो स्ट्रेच कर देगा, जितना हिस्सा नहीं आएगा जहाँ सिलेक्शन का एंड हो रहा होगा वहाँ से ये स्ट्रेच कर देगा। अब ये देखें, ये इतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया, एस एंटर, इस तरफ ले जाते हैं हम, बाकी जो अंदर आ गया पोजीशन के उसको भी उसने नहीं स्ट्रेच किया और जो बाहर रह गया था उसको भी उसने स्ट्रेच नहीं किया। ये आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं और कैसे आप इसको स्ट्रेच करते हैं। दूसरा हिस्सा आ गया हमारे पास ये कमांड, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ इस तरफ, ठीक है, इसका बाहर वाला हिस्सा रेक्टेंगल नया लगा लेते हैं फ्री हैंड कोई भी, ये ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं, ये मेरा डिज़ाइन बना हुआ है तो ये पूरा इसके अंदर अंदर स्केल हो जाए, मतलब इसके अंदर अंदर फिट हो जाए। तो सिंपल सेलेक्ट करें सारे को, एस सी स्केल की कमांड, एस एंटर, अब कहीं भी क्लिक कर दें, अब इसके अंदर क्लिक करें, यहाँ भी जहाँ मर्जी आप क्लिक कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है क्योंकि आप अपने डिज़ाइन को फिर पिक करके उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये मैं, ये देखें, यहाँ क्लिक करके अब मैं दे रहा हूँ रीडिंग 1.6, मतलब 1.6 का है, इसके एक हिस्से से इस 6 गुना बड़ा हो जाए, ये देखें ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो आप इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, अब एस सी एंटर करता हूँ तो फिर यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करके अगर मैं क्लिक करके थोड़ा सारा ड्रैग करूँ, क्योंकि ये स्केल की कमांड बड़े बिग साइज़ पर यूज़ होती है, तो ये देखें ना, ये आपको नज़र आ रही है इस तरफ लेफ्ट तरफ, और जहाँ लास्ट टाइम था वहाँ उसने वो ग्रे शो किया हुआ है, अब
हम पीछे से ऑफ कर लेते हैं उसको ग्राफ को अपने को, ठीक है, F7 से। F7 आप प्रेस करेंगे तो पीछे वाला ग्राफ जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये देखें, ये ग्रे उसने बताई हुई है लास्ट टाइम है, और वाइट। अगर मैं इसको अंदर की तरफ मज़ीद ले के जाऊँ, मज़ीद जूम करके अंदर की तरफ ले के जाता जाऊँ, तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से बड़ा करना है हमने, तो एक तो तरीका जो है ना वो सिंपल सा है, क्लिक करके तो आप बाहर की तरफ ड्रैग करते जाएं सिंपल माउस को बस, तो ये बड़ा होता जाएगा, स्केल होता जाएगा। ये देखें ना, ये तो अपनी पोजीशन से भी बाहर चला गया। अगर आप इसको रीडिंग, मैं स्टेप बाय स्टेप आप इसको स्केल करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लें SC एंटर, तो यहाँ से 1.9 करता हूँ मैं, अभी भी छोटा है। फिर स्केल 1.9, अभी भी थोड़ा हो गया साइज़, इसके अंदर आ जाएगा। अब 1.6, अब इसको हम कर लेते हैं मूव ऊपर की तरफ। कहीं भी आप इसको स्केल करके अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मूव कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो बताता हूँ मैं आपको टेक्स्ट के बारे में, डायमेंशंस के बारे में। पहले ये हमारा 2x2 का साइज़ आ गया। अब हम डायमेंशन लेते हैं यहाँ से। अब ये पोजीशन पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये देखें ना, अभी तो ये डायमेंशन तो हमें शो ही नहीं हो रही, ये एजेस बहुत छोटे हैं, और ना यहाँ से भी ये फासला जो है ना हमारे ऑब्जेक्ट से डायमेंशन का बहुत छोटा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डी एंटर, ठीक है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, यहाँ हम जाएंगे मॉडिफाई। ये देखो इसने प्रीव्यू में ये पोजीशंस दी हुई हैं कि ये किस तरह के डायमेंशन जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। मॉडिफाई, मॉडिफाई के अंदर हम आ जाएंगे टेक्स्ट में। ये देखें टेक्स्ट, ये स्टैंडर्ड हमने सेलेक्ट करना है यहाँ से, फिर इसके साथ ये ऑप्शन दिया हुआ है छोटा ज़रा, इसको सेलेक्ट करें, और ये टेक्स्ट स्टाइल ओपन हो गया। यहाँ से हम इसकी हाइट कर लेते हैं तकरीबन 5 सेंटी, ठीक है। और ये एरियल सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो ऑटोकैड में अगर आप अपनी कोई भी फाउंड, काफ़ी सारे दिए हुए हैं उन्होंने, यहाँ से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोकैड में वो है टाइम्स न्यू रोमन। ये देखें टाइम्स न्यू रोमन, ये ज़रा लुक अच्छी देता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें रेगुलर लाने दे, विथ फैक्टर 1, ओके, अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है। अब हम ओके करके इसको सेट करंट करके क्लोज़ करेंगे, तो सिर्फ टेक्स की हाइट ज़्यादा हुई है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये एरोज़ भी बदल जाएं, और यहाँ से डिस्टेंस जो है ना ये भी थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो फिर से हम जाते हैं डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, मॉडिफाई, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से लाइंस, ये तो शो कर रहा है लाइंस टेक्स की। यहाँ से अब कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं मॉडिफाई करके तो लाइंस में आता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ, सिर्फ इसको, इस वाले हिस्से को, ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला सेक्शन इतना इतना, इसमें जो है इसको मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ से पोजीशन ये देखे ना, साथ उसने बताया कि ये आपकी लाइन जो है ना ये वाली रेड हो गई है, ठीक है। अगर मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके यहाँ से हम कर लेते हैं येलो, ये देखे ये वाली लाइन जो है ना येलो हो गई है, ठीक है। ये एक्सटेंड बियॉन्ड बाय एक्सटेंड, ये येलो हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ डायमेंशन लाइन जो है इसकी बाउंड्री की एक्सटेंड कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ यहाँ इसको तकरीबन 2 सेंटी, ठीक है। और यहाँ मैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इसको तकरीबन 3 सेंटी, ठीक है। ये देखे ना, साथ ये शो भी कर रहा है कि किस पोजीशन में ये लाइनें जो है ना ये आपकी डायमेंशन में शो हो रही हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इसको बाय लेयर या बाय ब्लॉक कहीं भी से भी कर सकते हैं। इस यहाँ से आप इसकी जो थिक है लाइन की वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, मॉडिफाई लाइन में आए थे, यहाँ से हमने इसको रेड किया था, इसको येलो किया था, यहाँ हमने लिखा था 20 और यहाँ लिखा था 30। आपको ये सब मेंशन करने के बाद ओके लाजमी करना है, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। फिर अभी तो अभी के लिए ओके नहीं करते हम, आ जाते हैं हम सिंबल एंड एरोज़ पे।
यहाँ हम एरो का साइज़ जो है वो बढ़ा लेते हैं, इसका कर लेते हैं 3 सेंटी। तो कहीं भी साइड पे क्लिक करें, इसके अंदर क्लिक करें तो ये वो वाली पोजीशन छोड़ देगा और आपको बता देगा कि एरो आपका बड़ा हो चुका है। यहाँ से अब ये मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, यहाँ से आप ये भी चेंज कर सकते हैं, आर्किटेक्चर थिक, ठीक है। उसके बाद ये देखें ना, काफ़ी बॉक्स, डॉट, स्मॉल ब्लैंक, ये कहीं से भी आप इसकी ये हम इस लग ये तो फिल है और हम ये रख लेते हैं क्लोज, क्लोज ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ से भी इसको कर लेते हैं क्लोज, ओके। सेट करंट लाजमी करना है आपने, फिर क्लोज। अभी देखें ये पोजीशंस में आ गया, ये हमारा जो फर्स्ट सेलेक्ट हुआ था वो फिल था, ये सारा ओपन हो गया। अब ये सिर्फ लाइनें हैं, ठीक है। अब ये डायमेंशन आप कहीं भी किसी तरफ, इसकी कमांड है DAL, DAL एंटर करेंगे तो ये इसकी की है, नहीं से ऊपर से कर रहे, ये अंदर की तरफ क्लिक करेंगे, बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो ये आपको डायमेंशंस शो करता जाएगा। जितना आपने फासला रखा हुआ है उसके मुताबिक ये आपके ऑब्जेक्ट से दूर मेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लगा लेते हैं आर्क, ये आर्क हो गई है हमारी, हमने आर्क की डायमेंशन लेनी है तो सिंपल यहाँ पे जाएंगे आर्क लेंथ, इसको क्लिक करें और ये दोनों तरफ ये देखें ना, ये वही उसी पोजीशन में, ये बाहर 2 सेंटी है और ये 3 सेंटी है और ये एरो हमारा 3 सेंटी है, उसी पोजीशन में आपको ये सर्कल में कमांड शो कर देगा। ये देखें ना, इसने ये साथ दिया हुआ। तो उसके बाद हम लगा लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। सर्कल का हमने इसका रेडियस चेक करना है तो ये सिंपल रेडियस है, ये देखें, किसी भी सर्कल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायमेंशन इसकी शो कर देगा। एक तरीका ये है, दूसरा ये है कि आप सीधा सीधा डायमेंशन भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्लिक करेंगे तो ये देखें, इसमें सीधी डायमेंशन में ये क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, रेडियस में सीधी डायमेंशन में ही आपको ये 7 लाइनें भी शो करेगा, ठीक है, गाइडलाइंस। लेकिन अगर आप रेडियस की डायरेक्ट कमांड लेंगे वहाँ से तो वो आपको ये शो नहीं ही करेगा, सिर्फ अंदर वाला रेडियस। अगर बाहर की तरफ आप लेना चाह रहे हैं तो वो एरो साथ दे देगा कि इतने हिस्से का ये आप डायमेंशंस ले रहे हैं, अंदर की तरफ क्लिक कर दें कहीं भी छोड़ दें तो वो पोजीशन में आ जाएगा। इसके अलावा ये मुख्तलिफ कमांड्स दिए हुए हैं, अब ये एंगल्स में है। अब आ जाएं टैक्स पे, टैक्स आप मल्टी टैक्स, मल्टी टैक्स क्या मतलब कि ये आपको क्रॉस बता रहा है कि कितने बॉक्स के अंदर आप मल्टी टैक्स करना चाहते हो, कितने बॉक्स के अंदर आप लिखना चाहते हो, एक ये तरीका है। और दूसरा है ये कि सिंगल लाइन, सिंगल लाइन कहीं भी आप ड्रॉ करें, अपने माइस माउस को क्लिक करके इस तरफ ड्रॉ करेंगे, इस तरफ कहीं भी किसी तरफ भी ड्रॉ करेंगे तो उसी पोजीशन में ये टैक्स लिखेगा। जैसे कि ये देखें ऑटो कैडन CNC, ये इसी पोजीशन में, इसके इसको कहीं भी क्लिक करते जाएंगे तो वो वहाँ वहाँ ये टैक्स लिखता जाएगा। अब इसी, हाँ, मल्टी टैक्स का क्या है कि मल्टी टैक्स को आप को लाजमी बाउंड्री देनी होगी कि आप कितनी बाउंड्री में लिखना चाह रहे हैं, तो उसी पोजीशन में आपको ये लिख के देगा ऑटो कैडन CNC का। कोई भी टैक्स आप कहीं भी इसको मेंशन कर सकते हैं। अब मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ था टाइम्स न्यू रोमन, ये वही टैक्स जो है ना वो यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये डायमेंशंस भी हो गई आपकी, टैक्स भी हो गया, तो रेडियस की ये ऑटोकैड में एक टेबल दिया हुआ है ना उन्होंने, ये देखे ना, ये नीचे उसने बताया हुआ है कि जैसे एक्सेल में टेबल बनता है वैसे आप इसमें भी बना सकते हैं। इसके बाद ये लेयर्स हैं, लेयर्स बड़ी सिंपल सी हैं, इसकी कमांड है LA, एंटर करेंगे तो ये लेयर्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ से आप प्लस कर सकते हैं लेयर, न्यू लेयर, ठीक है। यहाँ से आप फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी लेयर लेयर को, अगर आप वो डिलीट नहीं करना चाहते तो यहाँ से फ्रीज़ हो जाएगी, यहाँ से डिलीट होगी, और यहाँ से सेलेक्ट करंट, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ से एक क्लिक करता जाता हूँ तो ये न्यू लेयर शो करता जाएगा। यहाँ से आप किसी भी लेयर का डबल क्लिक करें और कलर चेंज कर लें, यहाँ पर डबल क्लिक करें और कलर कोई भी रखना चाह रहे हैं तो ठीक है, तो वो उस हिसाब से मैं इसका आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, लेयर्स का यूज़ भी। तो अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, के भाई कह रहे थे कि ये मैंने कुछ डिज़ाइन जो है ना वो सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला डिज़ाइन जो है ना मेरा, ये वाला स्टार्स वाला,
ये इसमें सर्कल में ड्रा हो जाए। तो उसके लिए ऑटोकैड में तो कोई तरीका नहीं है इसको आपको लाइनों के अंदर फिक्स करने का, ठीक है। तो इसी तरह सिंपल आपने अपनी आर्क ले लेनी है, जिस मर्ज़ी पोजीशन में हो, ठीक है, उस पोजीशन में आपने अपनी आर्क ले लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताने लगा हूँ आपको, अपने डिज़ाइन को कर्व करने के लिए आपको जितनी ये ऊपर वाली आर्क होगी ये वाली, उतना ही आपको डिज़ाइन लेना पड़ेगा, ये तीन, ठीक है। अगर आप नीचे वाली सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वाली का जो ऑलरेडी जो डायमेंशन होगी वो कम होगी, तो आपका डिज़ाइन स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ राइट और लेफ्ट खुल जाएगा ज़्यादा। तो उसके लिए आपको ये चीज़ जो है ना ऊपर वाली डायमेंशन लेनी पड़ेगी लाजमी। तो कैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आते हैं आर्क, आर्क लेंथ ये कितनी है हमारी, 157 सेंटी। अब ये वाला डिज़ाइन जो है ना हमने इसमें करना है 157 सेंटी में, तो इसको हम इधर लाइन लगाते हैं और ऑफसेट ले लेते हैं 1570 यहाँ तक। अभी देखें ना ये तो हाफ है ना, तो सारे को सिलेक्ट करते हैं, एम आई एंटर मिरर, अभी भी थोड़ा सारा काम है तो यहाँ से यहाँ तक लगा लेते हैं। अभी ये एग्जैक्ट दोनों तरफ पोजीशंस में नहीं बता रहा, ये देखें ना, यहाँ से तो ये हाफ है और यहाँ ये लाइन से ओवर चला गया, तो उसका इशू नहीं है, इतना 3 सेंटी 4 सेंटी 5 सेंटी फ़र्क नहीं, कुछ नहीं कहता, ठीक है। आप बाकी को ट्रिम कर दें, ये वन पोजीशन हो गई हमारी, ये एक हो गया, इसको हमको मूव कर लेते हैं इसके साथ इस यहाँ। अब आ गया ये वाला, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन ले लेते हैं, आर्क लेंथ ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है इसकी 149, ठीक है, 149 है, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं यहाँ तक और ऑफसेट लेते हैं 1490, मूव करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से हम इसको करते हैं एक्सप्लोर, ताकि हमने जो नक्शा लेकर जाना है वो हमारा आगे एक्सप्लोर करते हैं हम, क्योंकि ये मिरर और कॉपी, ये मिरर वाला नक्शा नहीं है, ये कॉपी वाला है। यहाँ से हम क्लिक करके आगे इसी पॉइंट पे वापस क्लिक करते जाएंगे तो ये उस तरफ जो है ना वो कॉपी होना शुरू हो जाएगा और चलना शुरू कर देगा, और यहाँ तक ही बहुत है, ज़रूरी नहीं है आगे जाएँ। इसको हम डिलीट करते हैं दोनों लाइनों को दोनों तरफ से, और इसको उठा के हम यहाँ इसके ऊपर रख देते हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ, अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाला इसके अंदर कर्व हो जाए, तो इसके डायमेंशन ले लेते हैं कितनी है, 108, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं सीधी और ऑफसेट 108 सेंटी। अब ये मिरर वाला है, इसको इतना इतना सेलेक्ट करो, ज़्यादा कर लो, बाकी को हम यहाँ रेज कर देंगे या ट्रिम कर देंगे। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में आया है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और ये हमारी तीन फाइलें रेडी हो गई हैं। अब किसी भी फाइल में इसको अगर आप सेव करें, कहीं भी रख लें, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट कंट्रोल, इसको सैम्पल फाइल है मेरे पास, इसको कर लेते हैं सेव डीएक्सएफ में, इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। अब आ जाएं ये देखें, ये ऑलरेडी बने हुए हैं इसी पोजीशन में, आपको मैं यहाँ पे कर्व करके दिखाऊंगा। तो मैंने उसको सेव कर लिया, मिनिमाइज़ करते हैं, मिनिमाइज़ किया, इसको खोल लेते हैं एस्पायर को, ये एस्पायर हमारे पास ओपन हुआ हुआ है, मैंने ओपन किया हुआ था ये, डेस्कटॉप पे आ जाएं, मैंने फाइल की सेव की हुई है यहाँ, ये सैम्पल, इसको पिक करके यहाँ ड्रॉप कर देते हैं और ये पोजीशन यहाँ आ गई है, इसी पोजीशन में, ये उसी पोजीशन में एस्पायर में ओपन हो गया। एस्पायर का आपको पता होगा सीएनसी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर डिस्टॉर्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाले, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये सिंगल लाइन भी बता रहा है, ठीक है, बाउंड्री बॉक्स भी बता रहा है, और ये बिटवीन्स टू कर्व्स, ठीक
ठीक है, मैं आपको टू कर्व्स का करके बताता हूँ, आप बाकी ट्राई कीजिएगा। ऊपर वाले ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर लेंगे, सिंगल लाइन है ये बॉक्स के अंदर। अभी ये दोनों लाइनों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है सेलेक्ट डिज़ाइन, तो शिफ्ट के साथ हमने इन दोनों लाइनों को भी सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ दोनों लाइनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है। यहाँ से अप्लाई एंड क्लोज। अब ये देखें, ये सही स्मूथ कर्व हो गया सारा दोनों लाइनों के अंदर। अभी इसको भी हम करना चाह रहे हैं, पहले डिज़ाइन को सेलेक्ट करें, ठीक है। ये बिटवीन टू कर्व्स, शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट करें, अप्लाई एंड क्लोज। इसी तरह यहाँ भी आ जाएं, ये सेलेक्ट करें बिटवीन टू लाइन, शिफ्ट दबा के रखें, दोनों लोग लाइनों को सेलेक्ट करें, अप्लाई एंड क्लोज। ये देखें बड़ा स्मूथली कर्व हो गया। अगर इसको आप मैनुअली ऑटो कैड में करना चाहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और इस तरह सेम कर्व के अंदर सही तरह ये कर्व भी नहीं होगा। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और फाइल को वापस हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं DXF में, उसी फाइल में जो फाइल हमने ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो वापस आ जाते हैं ऑटो कैड पे। ये ले, ये हमने ऑटोकैड ओपन किया और उसी फाइल को वापस ओपन कर लेते हैं। तो अभी तो ये हमें कहीं भी नहीं शो रहा, इसके लिए हम जेड एंटर ए एंटर करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास स्मूथली कर्व हो गए हैं डिज़ाइन, जो जो हमने जहाँ जहाँ सेट करने थे वहाँ ये सेट हो गए हैं, ठीक है। तो अब कोई भी डिज़ाइन ले लें किसी पोजीशन में, ठीक है। अब सिंगल लाइन पे भी ट्राई करें और डबल लाइन पे भी ट्राई करें, एस्पायर के अंदर ओपन करके, और इसको आप स्मूथली अच्छे तरीके से कर्व कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्टली और जल्दी हो जाता है, ऑटोकैड में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, इस तरह कर्व कर्व होने में, ठीक है। सर्कल में तो हम मेंशन कर सकते हैं अरे की कमांड से, हम डिवाइड करके तो अपने इस नक्शे को और डिवाइडिंग के दरमियान जो लाइनें होंगी उसके अंदर मेंशन करके बना के तो उसको रे करके सर्कल में ला सकते हैं। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ, ठीक है। सर्कल के अंदर भी मैंने किया हुआ है नक्शा, और ऑटोकैड में और स्पायर के अंदर भी। तो मज़ीद ये ज़्यादा डिटेल में है, इसी तरह आप ट्राई करें, बनाएं और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मेरी सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।